पूर्व हिंदू समाज से अलग हुए चीता महाराज समाज के सैकड़ों लोगों ने शनिवार को पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर एक बार फिर अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साधु संतों के सानिध्य में भोले के जयकारे लगाते हुए ये सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़िए पुष्कर सरोवर के लिए रवाना हुए। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर यह सरोवर के ब्रह्म घाट पहुंचे। यहाँ पर स्नान करने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने इन चौहान वंशीय कांवड़ियों को पूजा अर्चना करवाई। साथ ही इस बात का संकल्प दोहराया कि जिस चौहान वंश से उनके पूर्वज जुड़े हुए हैं उसके गौरवमय इतिहास की ओर वापसी करेंगे और अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर इनका उत्साह बढ़ाने के लिए विहिप के केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा सहित भगवा संगठनों के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सरोवर से जल लेकर यह कांवड़ यात्रा अजयसर गाँव के लिए रवाना हुई। यहां से अजयपाल सिद्ध महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए यात्रा 80 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 दिन में अपने पड़ाव आशापुरा धाम पहुंचेंगे, जहां से ये यात्रा 2 भागों में बट जाएगी। एक कांवड़ यात्रा नीलखंड महादेव मंदिर पहुंचेगी, जबकि दूसरी कांवड़ यात्रा शिवपुरा का घाट स्थित शिव मंदिर पहुंचेगी। दोनों मंदिरों में रुद्री पाठ के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।